वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये चैनल बनाने का पीछे मकसद है कि आसान तरीके से मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में बता सकूं। अगर दोस्तों इस चैनल के बारे में कुछ आपके पास सुझाव होगा या फिर कुछ आइडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के बारे में, वो हमें दें। तो दोस्तों, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं कहें तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम 220 एम्पीयर की बैटरी की चार्जर के बारे में बात करेंगे, और ये किस तरह बनाएंगे इसके बारे में बात करेंगे, इसके डाटा क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है 25 एम्पीयर की बैटरी चार्जर, और ये ट्रांसफार्मर की डाटा है। हम लोग इसमें 12012 के लिए 23 टर्न लिपटेंगे 12 नंबर के तार से, फिर 23 टर्न लिपटेंगे 12 नंबर के तार से, और ये 25 एम्पीयर की ट्रांसफार्मर तैयार हो जाएगी। और इसकी प्राइमरी जो होगी 20 नंबर के तार से होगी। पहले हम लोग लिपटेंगे 0 से 280 टर्न लिपटेंगे, उसके बाद फिर 20 टर्न प्लस करके 300 टर्न लिपटेंगे, 300 के बाद फिर 20 टर्न प्लस करके 320 टर्न लिपटेंगे, 320 के बाद फिर 20 टर्न प्लस करके 340 टर्न लिपटेंगे, और फिर 20 टर्न प्लस करके 360 टर्न लिपटेंगे, फिर 20 टर्न प्लस करके 380 टर्न लिपटेंगे, फिर 20 टर्न प्लस करके 400 टर्न लिपटेंगे, फिर 20 टर्न प्लस करके 420 टर्न लिपटेंगे। इसकी कोर जो होगी 7 नंबर होगी, और इसकी साइज जो होगी 2 इंची होगी। तो इसको हम लोग, इससे आप कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। बहुत हैवी बैटरी चार्जर होती है ये, और चार्ज करने में बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है बैटरी। तो दोस्तों, ये था इसका ट्रांसफार्मर का डाटा, और आगे इसको किस तरह फिट करना है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में डायोड इस तरह लगाएंगे, एक तरफ 4 डायोड रहेगा 6 एम्पीयर का, एक तरफ 4 डायोड रहेगा 6 एम्पीयर का। ये दोनों मिला के इसको फुल एक्टिफायर में कनेक्शन करनी है। कभी भी चार्जर आप बना रहे हैं तो फुल एक्टिफायर में बनाएं, इससे बैटरी बहुत बेहतर तरीके से चार्ज होती है, और इसकी जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट रहेगी और फेज ही सिलेक्शन करेगा। जैसे कि 220 वोल्ट पे अगर फेज है तो सिर्फ 12 वोल्ट निकलेगी, और जैसे वोल्टेज लो होते जा रही है और इसकी आप सिलेक्शन करेंगे लो वोल्टेज पे, ये नीचे आएगी और लो वोल्टेज पे सिलेक्शन करते हुए बैटरी को चार्ज करेगी। तो इसे एम्पियर भी घटा बढ़ा सकते हैं, और वोल्टेज कम बेसी होने से भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये बैटरी चार्जर है 25 एम्पियर का, इसे 220 एम्पियर की बैटरी चार्ज होगी बेहतर तरीके से। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।